हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का एक बेसिक इंट्रो लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप छोटा सा एक इंट्रो समझ लो, ठीक। बिकॉज अगर आप इंट्रोज में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा क्या जाने वाला है 7.2 में, तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ना, इनमें आपसे बेसिक यही पूछा जाएगा कि दो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन से कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, क्राइटेरिया होती है। तो कौन से कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया से वो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक पहले से 7.1 में भी एक बेसिक इंट्रो बता दिया है, बना दिया है वीडियो, वहाँ पर मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी कि कॉन्ग्रुएंट हम कब कहते हैं। फिर भी यहाँ पर देखो, एक छोटे से मैं मेथड से समझा देता हूँ कि जब हम लोग दो ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल से रिलेटेड आ रहा है ना, तो दो ट्रायंगल जब हमारे पास ऐसा दिया हो कि एक ट्रायंगल को जब हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें तो वो क्या हो जाए, एक दूसरे को एकदम पूरी तरीके से ढक ले। जैसे ये दोनों को आप देखोगे एकदम, तो इसको अगर मैं उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को एकदम फुल्ली कवर कर लेंगे, कोई भी साइड कोई भी एंगल बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तब एक दूसरे के ऊपर ये एकदम एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे आप नोट होगा, मान लो 100 के नोट्स होते हैं ना, तो नोट को एक के ऊपर एक रखते हो आप ना, 100 100 का सेम नोट अगर रहेगा तो देखना कि नीचे वाला नोट और ऊपर वाला नोट एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अगर आप ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, समझ आ रहा है बात ना। तो जब इस तरीके से ट्रायंगल्स हमारे पास रहते हैं तब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास चार ऐसे नियम होते हैं जिससे अगर दो ट्रायंगल में, यानी कि चार ऐसे आप कह लो कि प्रॉपर्टीज़ हैं जो दोनों ट्रायंगल में अगर पाई जाएँ तो फिर वो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहला जाएंगे। जैसे देख कर हम तो बता सकते हैं, लेकिन कई बार देखने से भी गलती हो जाती है, पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पर मान लो ये 29 डिग्री का एंगल रहेगा और यहाँ पर मान लो 30 डिग्री का एंगल है, तो देख कर तो 1 डिग्री का एंगल पता चलता नहीं है, तो उसमें गलती हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारे पास चार ऐसे रूल्स हैं जिसे आप पता कर सकते हो। उन्हीं चार रूल के बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है SSS, ठीक है। SS और S, SSS मतलब क्या होता है, साइड साइड और साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज आप समझो, बस SSS समझो यहाँ पर, कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे दिए हों जिसके तीनों के तीनों साइड्स क्या हों, आपस में इक्वल हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, दो ट्रायंगल है हमारे पास, इधर वाला साइड हमारा 3.5 है, इस वाले ट्रायंगल में इधर का साइड 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड्स इधर उधर हो सकते हैं। अब इसको भैया उल्टा करके रखा है तो दूसरे साइड में ही दिखेगा, अगर इसको भी आप ऐसे पलट दो, सीधा कर दो, तो ये 3.5 इधर ही आपको दिखेगा, समझ आ रहा है ना। तो ये देखो 3.5, इसमें भी 3.5 है, इसका भी नीचे जो 7.1 है इसका ऊपर 7.1 दिख रहा है, अब इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये भी 7.1 नीचे आ जाएगा, ठीक। ये वाला जो हमारा इधर है 5 सेंटीमीटर है, और इधर भी ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों जो साइड हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो SSS हमारा जो प्रॉपर्टी है, क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों हमारे ट्रायंगल होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम कॉन्ग्रुएंट को इस तरीके से साइन से शो भी करते हैं, मैंने आपको पहले बताया इक्वल का साइन लगाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से साइन लगा दो बीच में, तो ये हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये वाला, और ट्रायंगल जो हमारा RPQ है ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग को लिखना रहता है, वो सब जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, फिलहाल आप इतना समझ लो। अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी होता है, आइए आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो, जो सेकंड हमारा क्राइटेरियन है वो क्या होता है, SAS, याद रखते जाना है ना। पहला जो था SSS था, जहाँ पे साइड 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 था, इस बार SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। यानी कि एक ऐसा हमारे पास ट्रायंगल, सॉरी दो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके दो साइड्स और एक एंगल आपस में क्या हों, इक्वल हों, तो वो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, SAS, साइड एंगल साइड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल्स को, देखो ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, तो अगर आप इसमें फर्स्ट दो जो हमारे जो ट्रायंगल हैं इनको अगर आप देखोगे तो देखना, यहाँ पर भले ही थोड़ा सा आपको उल्टा दिखा है, यहाँ पर हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए उल्टा ही बना के देख दिया रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, आपको इसके जो प्रॉपर्टी है ना, क्राइटेरियन है, उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे देखो, इधर हमारा साइड 7 सेंटीमीटर है, इधर आपको दिखेगा 7 सेंटीमीटर, एक साइड इक्वल हो गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दो साइड इक्वल हो गया, यहाँ पर एंगल 50 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल 50 डिग्री का बन रहा है, तो एक एंगल जो हमारे है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, SAS, यानी कि साइड एंगल और साइड। तो देखो, साइड भी इक्वल हो गया, एंगल भी इक्वल हो गया, और एक पीस हमारा एक और साइड इक्वल हो गया। तो SAS के क्राइटेरियन के जो हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जबकि ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यहाँ पर, तो देखो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, अच्छी बात है,
ये हमारा 4.5 है, इधर वाला 4.5 है, ठीक है, लेकिन इधर वाला हमारा 4 सेंटीमीटर है ना, लेकिन यहाँ पर हमको ये एंगल साइड जो है बताया ही नहीं है कि ये कितना है। चलो ठीक है, नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, दो साइड्स तो हमारे इक्वल मिल गए। लेकिन अब एंगल में अगर आते हैं तो देखो एंगल यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 55 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ऐसे ऐसे यहाँ पर काम हमारा नहीं करेगा, तो ये हमारा जो होगा ना यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो दो रूल आपने पढ़ा, SSS, ठीक है, SES, ये दो हमने क्राइटेरियन पढ़ लिया। अब चलिए अगला जो थर्ड नंबर का क्राइटेरियन है उसे देखते हैं। देखो जो हमारा थर्ड क्राइटेरियन होता है उसमें हमसे क्या कहा जाता है, ASA, यानी कि थर्ड जो क्राइटेरियन है उसका नाम है ASA। अब इसमें क्या होता है, तो एंगल साइड एंगल, ए फॉर एंगल समझ लो और एस फॉर साइड समझ लो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर, यानी कि अगर दो एंगल और एक अगर हमारा जो साइड है, ठीक है, वो अगर आपस में इक्वल है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, जैसे कि ये और डायग्राम आप देखो, इसमें फोकस करो। तो यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इधर भी हमारा कितने डिग्री का बना होगा, 30 डिग्री का ही बना होगा। ये सब आपको मैंने एंगल वाले चैप्टर में सिखाया है, ठीक है। तो ये 30, ये भी 30 डिग्री है, यहाँ पर एक एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पर ये वाला एंगल 70 डिग्री है। उसके अलावा इधर का हमारा साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इधर का साइड 3 सेंटीमीटर है, तो दो एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हो गए, 30 और 70 वाले, और एक साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हमारा ASA, यानी कि एंगल साइड और एंगल, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा, ये वाला जो क्राइटेरियन है ना वो काम कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक के ऊपर दूसरे को मैं रखूँगा तो दोनों एक दूसरे को फुल्ली कवर कर लेंगे, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। तीन हमने रूल पढ़ दिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, SSS, ठीक है, साइड साइड साइड, दूसरा था SAS, साइड एंगल साइड, तीसरा था ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है। जो चौथा है वो बहुत ही मज़ेदार है, वो क्या होता है ना, राइट एंगल से रिलेटेड होता है। आइए आपको मैं वो समझा देता हूँ, इतना क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाओ, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बस इतना ही समझो। अब चलो राइट एंगल के पास। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का जो खासियत है उसमें क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास एक साइड, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो नाम ही उसका है RHS, RHS का मतलब क्या होता है कि एक हमारा जो एंगल हो वो राइट एंगल हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होते हैं ना, हाइपोटेन्यूज उसका आ जाता है, ये वाली जो हमारी साइड्स होती है ना तिरछी साइड, इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट में एच लिखे यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज और उसके अलावा जो हमारा एक साइड है, ठीक है, कोई सा भी आप साइड ले लो, अगर वो तीन चीज़ आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ जाओ, इस डायग्राम में फोकस करो, है ना, इन दोनों को देखो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डब्बा बना हुआ है, तो समझ जाओ कि वो 90 डिग्री का एंगल है, वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डब्बा बन गया यानी कि वो 90 डिग्री है, ओके। तो अब देखो एक एंगल तो हमारा राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो भी देखो, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया। अब हम लोग साइड्स देखते हैं, तो ये वाला जो हमारा साइड है 3 सेंटीमीटर और इधर वाला भी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और हमारा साइड, ये तीन चीज़ यहाँ पर इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जबकि अगर हम इसमें देखें तो राइट एंगल तो है, यहाँ पर भी राइट एंगल है, एक साइड इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल और साइड ये दो तो इक्वल हो गए। लेकिन हाइपोटेन्यूज अगर हम देखते हैं तो वो 9 सेंटीमीटर और इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। ये तीन चीज़ अगर आपस में इक्वल होती इस राइट एंगल ट्रायंगल की भी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे। देखो दिख एकदम इक्वल रहा है, एक ही सेंटीमीटर का फर्क है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि देखने से हम लोग कई बार तो सही बोल देते हैं लेकिन कई बार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग मेजरमेंट को एकदम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो ये चार हमने क्राइटेरियन पढ़ लिए, कौन कौन सा था, तो एक हमारा SSS, ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लो, SAS, ASA, ठीक है, और एक हमारा RHS, राइट हैंड है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो था, है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। ये चार अगर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसी भी दो ट्रायंगल में मिल रही हैं, है ना, ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस इतना ही इस वाले इंट्रो में आपको समझना है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि हमारा क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कब कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.2 के, इनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कौन से क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके अलावा आपसे आगे में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर वो कौन से क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी के क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसमें सीखेंगे, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके सामने दो विंडो ओपन हो गए होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।